गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जमुना प्रसाद मेमोरियल पीजी कॉलेज बरेली की ओर से बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकंड। आज का हमारा टॉपिक है सिम्टम्स ऑफ एड्स। तो सिम्टम ऑफ एड्स में जो एचआईवी है, एचआईवी इन्फेक्शन, ठीक है, फॉलोइंग थ्री स्टेप में सिम्टम्स शो करता है। सिम्टम शो करना, ठीक है। नंबर वन है, ठीक है, ए सिस्टम है, एच आई वी या एड्स इन्फेक्शन, ठीक है। ए सिम्टम्स ऑफ एच आई वी एसिम्प्टोमेटिक एच आई वी एड्स इन्फेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक से लेकर 2% जो न्यूली जो नए नए इन्फेक्टेड पर्सन हैं, न्यूली इन्फेक्टेड पर्सन में फॉलोइंग सिम्टम्स शो होते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन में फॉलोइंग सिम्टम शो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या शो होते हैं, शुरू शुरू में चिल फीवर, ठीक है, स्वालिन लिम्फ नोड, ठीक है, इचिंग एंड रस इन स्किन। तो एक से लेकर 2% न्यूली इन्फेक्टेड पर्सन में फॉलोइंग सिम्टम्स शो करते हैं। क्या क्या होते हैं, चिल फीवर, हल्का फीवर रहता है, लिम्फ नोड जो है वो हल्की स्वेलिंग आ जाती है, इचिंग एंड रस इन स्किन, स्किन में खुजलाहट होती है या धब्बे पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद ये सिम्टम क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और लगभग एक से एक मंथ या इससे अधिक टाइम तक कोई सिम्टम दिखाई नहीं देता है, कोई सिम्टम दिखाई नहीं देता है। अब पर्सन को एचआईवी है या नहीं, इसके लिए एलिशा टेस्ट किया जाता है। एलिशा टेस्ट की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड, ठीक है, इम्यूनो सॉर्वेंट एसे। तो एलिशा टेस्ट द्वारा एचआईवी को पता लगाया जाता है। एक बार फिर एसिम्प्टोमेटिक एचआईवी या एड्स इन्फेक्शन में क्या है कि लगभग 1-2% न्यूली इन्फेक्टेड पर्सन में फॉलोइंग सिम्टम्स शो होते हैं। क्या क्या शो होते हैं, चिल फीवर आता है, लिम्फ नोड जो होती हैं वो स्वेलिंग हो जाती हैं, इचिंग होती है, रस होता है किसमें, स्किन में, और फिर ये सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं और लगभग 1-2 महीने या 1 से अधिक 2-3-4 महीने तक कोई सिम्टम दिखाई नहीं देता, नो सिम्टम शो, कोई सिम्टम शो नहीं होता। फिर इस ऐसे पर्सन के किसी का एड्स है या नहीं, इसके लिए एलिशा टेस्ट किया जाता है। एलिशा टेस्ट की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। अब दूसरा एड्स रिलेटेड नंबर दो, ठीक है, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स यानी कि एआरसी। एआरसी का मेन क्या है कि इस पे कि जो पेशेंट की आर एंड नेक पर क्या होता है, ग्रीन कलर की स्पॉट्स पड़ जाते हैं। ये स्पॉट्स 1 मंथ थ्री मंथ या मोर टाइम, इससे अधिक मंथ तक रहते हैं, ठीक है।
ठीक है, आर्क और नेक पर ग्रीन कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं, ये 3 महीने या 3 से ज़्यादा महीनों तक रहते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि स्लाइटली स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, ठीक है, फीवर आता है, नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, ठीक है, मेमोरी लॉस हो जाती है, ठीक है, और पेशेंट के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शन होने लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल, और उसके बाद पेशेंट में बहुत से बैक्टीरिया एंड वायरस एक्सेट्रा के इन्फेक्शन होने लगते हैं, और फिर इसके बाद इसकी थर्ड स्टेज आती है, फुल ब्लोन एड्स, पूरी तरीके से एड्स का हो जाना। तो फाइनल ये एड्स की फाइनल स्टेज है। इस स्टेज में जो पेशेंट है उसका वेट बहुत तेजी से लॉस होता है, बहुत तेजी से उसके अंदर वेट लॉस होता है, साथ साथ उसे डायरिया होता है, उसके अंदर वीकनेस आती है, कमजोरी आ जाती है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, ठीक है, जिससे अगर इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है जिससे उसे डिफरेंट टाइप की डिजीज होने लगती हैं। और लास्ट में जो पेशेंट था पेशेंट की डेथ हो जाती है। फाइनल स्टेज क्या है, ये इसकी फुल ब्लोन एड्स, ये इसकी फाइनल स्टेज है। इस स्टेज में पेशेंट का वेट लॉस होता है, बहुत तेजी के साथ वेट लॉस होता है, उसको डायरिया होने लगता है, कई बार डायरिया होता है बार बार, उसके अंदर बहुत अधिक कमजोरी आ जाती है, और लास्ट में उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है जिससे उसे डिफरेंट टाइप की डिजीज लगने लगती हैं और हो जाती हैं। और जब डिफरेंट टाइप की डिजीज आती हैं, इम्यून सिस्टम है नहीं, तो क्या होगा, फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।